नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि रघुराज शाक्य वर्सेस डिंपल यादव की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में डिंपल यादव की जीत हमें देखने को मिली और एक बार फिर से मैनपुरी की सत्ता पर जो है यादव परिवार का ही दबदबा देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ रघुराज शाक्य को लेकर के बीते दिनों जो खबरें निकल करके आ रही थी कि रघुराज शाक्य जो है वो भाजपा के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, और ये इस बिना पर कहा जा रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है डिंपल यादव के समर्थन में आने की बात जो है उनको लेकर के निकल रही थी। क्योंकि माना जा रहा था कि पहले जो है रघुराज शाक्य जिस तरीके से एक शिष्य होने की भूमिका बहुत समय पहले से निभाते हुए आ रहे थे, उसके बाद प्रसपा में भी आए तो भी वही शिष्य की भूमिका वो निभाते हुए आए, और माना यह जा रहा था कि भाजपा के तरफ से जब वो चुनावी मैदान में आए और सामने डिंपल यादव थी तो उसके बाद से उनका मन जो है एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आया, और यही वजह रही कि रघुराज शाक्य जो है वो भाजपा को छोड़ समाजवादी पार्टी के समर्थन में ज्यादा नजर आए। क्योंकि अपने लिए वोट मांगते हुए वो कभी कभार नजर आए, लेकिन हर बार जो है वो यादव परिवार को लेकर के ही ज्यादातर बोलते हुए नजर, और खासकर कि नेताजी का नाम उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। अब इससे माना यही जा रहा था कि यहाँ पर जो है रघुराज शाक्य कहीं ना कहीं एक पिछले स्तर पर रह करके जो है यहाँ पर डिंपल यादव और पूरे यादव कुनवे को जो है अपना समर्थन दे रहे थे, जिसकी वजह से भाजपा का अब उन पर करा रुख होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रघुराज शाक्य को लेकर के भाजपा क्या एक्शन लेगी और उस एक्शन के से पहले जो है रघुराज शाक्य का क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले आपको एसपीएन 9 न्यूज की टीम जो है इस पूरी खबर से रूबरू कराएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।